टोक्यो ओलंपिक 2020 फील्ड हॉकी के कैटेगरी में भारत अपना दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, जिसमें भारत को 1-7 से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारत 8 शॉट लगाए तो वही ऑस्ट्रेलिया 19 शॉट लगाए। भारत का शूटिंग एफिशिएंसी 13% रहा तो वही ऑस्ट्रेलिया का 37% रहा। भारत को फील्ड गोल करने का 3 मौका मिला और उनमें से एक बार गोल किए। वही ऑस्ट्रेलिया को 12 मौका मिला तो वे 3 बार गोल किए। भारत को 5 पेनाल्टी कॉर्नर मिला तो उनमें से एक भी गोल नहीं कर पाए। वही ऑस्ट्रेलिया को 6 पेनाल्टी कॉर्नर मिला तो वे 3 गोल करे। इस मैच में भारत को एक भी पेनाल्टी स्ट्रोक नहीं मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिला और वे गोल करने में सफल रहे। इस मैच में गेंद के ऊपर नियंत्रण भारत का 47% रहा तो ऑस्ट्रेलिया का 53% रहा। भारत का सर्कल पेनिट्रिएट 24 रहा तो ऑस्ट्रेलिया का 22 रहा। मैच के पहले क्वार्टर के 10वें मिनट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डैनियल बेल पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा पहला गोल किए और दूसरे क्वार्टर के 21वें मिनट पर हेवार्ड जर्गमी पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा दूसरा गोल करके ऑस्ट्रेलिया को 2 गोल से आगे रखे और उसी क्वार्टर के 23वें मिनट पर उगली फ्लाइन फील्ड गोल करके ऑस्ट्रेलिया लीड को और भी आगे बढ़ाए। उसी क्वार्टर के 26वें मिनट पर बेल्ट जोशुआ फील्ड गोल करके स्कोर को 4-0 में पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति पर ला दिए। तीसरे क्वार्टर में भारत के खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह 34 मिनट में फील्ड गोल करके भारत का खाता खोले। उसी क्वार्टर के 40वें मिनट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ब्लेक कोवर पेनाल्टी स्ट्रोक द्वारा गोल करके स्कोर को 5-1 में पहुंचा दिए। उसी क्वार्टर के 42वें मिनट पर ब्लेक गोवर फिर एक बार पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा गोल करके स्कोर को 6-1 में पहुंचा दिए। चौथे क्वार्टर के 51 मिनट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी टीम ग्रैंड फील्ड गोल करके अपने टीम को 7-1 में पहुंचा दिए और अंत तक ऑस्ट्रेलिया इस मैच को अपने नाम किए।